हे दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन पैनी में। और आज हम लोग बात करेंगे फिलिप्स का पावर प्रो वैक्यूम क्लीनर, जो कि बैगलेस है और ये अंडर 10,000 में सबसे बेस्ट आता है। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल रिव्यू करते हैं। यहाँ पे अटैचमेंट में आपको मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल पाइप, जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, और वो पाइप के साथ इंटीग्रेटेड आपको ब्रश मिल जाता है, जो कि आप कर्टन्स, बुक शेल्फ ऐसे सब जगह पे आप क्लीनिंग इजीली कर सकते हो। वो एक्चुअल पाइप के साथ इंटीग्रेटेड होता है। और एज अ अटैचमेंट में आपको एक कारपेट क्लीनर मिल जाता है, एक फ्लोर क्लीनर मिल जाता है और एक एक्सटेंडर मिल जाता है। अगर समझो आपको सीलिंग के लिए चाहिए या ज़्यादा हाइटेड जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पाएगा, तो उसके लिए एक्सटेंडेड भी मिल जाता है। और उसके साथ एक नोज़ल भी मिल जाता है, जो कि आप सोफ़ा की कॉर्नर्स में यूज़ कर सकते हो टू रिमूव द डर्ट। तो इतने सारे अटैचमेंट मिल जाते हैं, जो कि एक्चुअली रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब ज़्यादा भी अटैचमेंट नहीं मिल रहा है, बट जितना भी मिल रहा है वो रेगुलर यूज़ के लिए ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आपको पावर साइक्लोन 5 टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जो कि काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे हमको 1900 वॉट्स का पावर मोटर मिल जाता है, पावरफुल मोटर मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुली सक्शन कर देता है। मतलब कुछ भी ऐसा डर्ट पार्टिकल एकदम अंदर अंदर भी रहेगा ना, उसे खींच के निकाल सकता है। तो इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है। यहाँ पे आपको लाइट वेट स्ट्रॉन्ग व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ से वहाँ पे, मतलब यहाँ से वहाँ मूव करना बहुत ईजी हो जाता है। आप रोटेट भी कर सकता है, तो कोई इशू नहीं आएगा रोटेट करने में। इसका जो पावर वायर है वो काफ़ी लंबा है, और इसमें ऐसा दिया है कि आप इसे कितना भी लंबा खींच सकते हो, मतलब जितना भी उसका एक्स्ट्रा लंबाई है। बाद में एक सिंपल से बटन दबा के वापस वो अंदर चला जाता है इनिशियल पोजीशन पे। यहाँ पे आपको बैकलेस डिज़ाइन मिल जाता है, सो यहाँ पे आपको बार बार बैग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर आपको हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं है तो आप बैकलेस ले सकते हो। आपको डायरेक्टली एक स्पॉन्ज मिल जाता है, आपको EPA फिल्टर मिल जाता है, आप उसे पानी से धो सकते हो और वापस ड्राई करके वापस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर प्रोस के बारे में बात करूँगा, तो जो कॉर्ड होता है वो अपना वाइंड हो जाता है एक सिंपल सा बटन से, वो काफ़ी अच्छा है। और सक्शन ज़बरदस्त है इसका, 1900 वॉट्स का जो पावर है मोटर का, ज़बरदस्त सक्शन करता है, काफ़ी पावरफुल है। और ये हीट अप भी नहीं हो जाता जल्दी, और इसका जो बिल्ड है वो ज़बरदस्त है। यहाँ पे मैं अगर कॉन्स के बारे में बात करूँगा, तो यहाँ पे आपको ब्लोअर का फंक्शन नहीं मिलता और इसमें वेट क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर आपको ब्लोअर और वेट क्लीनिंग का कोई फंक्शन चाहिए नहीं, तो ये सबसे बेस्ट आता है। सो यही है। तो यहाँ पे हम लोग अभी वॉकिंग देखते हैं कि अगर आप डर्ट रख देते हो तो कैसे इसे साफ किया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कचरा है, हम देख सकते हो। तो डायरेक्टली इस पर हम लोग वैक्यूम क्लीनर का जो अटैचमेंट है उसको अटैच करके इस पर चला देते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी इजीली क्लीन हो जा रहा है, इसके अंदर जो भी डर्ट है डायरेक्टली इसके अंदर चला जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा है।
अभी आपको अंदर का चेंबर के अंदर बताता हूँ कि ये कैसा है। आप देख सकते हो जो साइड पे वो एक फिल्टर है, वो स्पॉन्ज है और फिल्टर भी है, तो आप उसके निकाल के धो सकते हो। और आप देख सकते हो साइड में जितने भी बड़े बड़े कचरे हैं वो सब एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हो जाते हैं वो स्पॉन्ज में चला जाता है, तो स्पॉन्ज आप इजीली धो सकते हो। और जो बड़े कचरे आप डायरेक्टली इसे वॉश करके, इसे ड्राई करके अगेन यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है और काफ़ी अच्छा है। इसका जो प्राइस है वो अराउंड 8,970 रुपीस का मिल जाता है, जो कि अभी फ़िलहाल रेट चल रहा है। इसका प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जो अगर हम लोग रेटिंग की बात करते हैं तो 4.5 out of 5 मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा रेटिंग है। और 641 पीपल ने रेटिंग दिया है। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और थोड़ा बहुत चेकआउट कर लेना कि क्या है क्या है। और एग्जैक्टली 2 साल का वारंटी भी मिल जाता है, आप देख सकते हो 2 ईयर्स वारंटी, ठीक है, 10 डेज रिप्लेसमेंट, वो जो कि अमेजन का वो तो होता ही है। और अगर आपको चाहिए तो आप बाय भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने और एक वीडियो बनाया बेस्ट वैक्यूम क्लीनर अंडर 5,000, तो आपका बजट अगर अंडर 5,000 है तो आप वो वाला वैक्यूम क्लीनर भी देख सकते हो कि वो बेस्ट आता है अंडर 5,000, जो है काचर्स WD3। उसके बारे में भी मैंने बताया है एक वीडियो पे, डिटेल रिव्यू बताया है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो जो आपके सामने देख सकते हो। और आई बटन भी डाल देता हूँ और एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका क्या थाट है और क्या आपका डाउट है फॉर लाइक पावर प्रो के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और सो यही, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक सून विद अ न्यू वीडियो।